बुंदेलखंड महिला परिषद के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। छतरपुर की इस समिति द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बात की गई है वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। समिति की अध्यक्ष अनबरी खातून का कहना है कि यह योजना शासन द्वारा संचालित है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि वृद्ध लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके प्रचार प्रसार के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर बाहर वृद्धजन बैठे रहते हैं, उन्हें कपड़े खाने और अन्य चीज़ों के लिए भीख मांगते हैं, उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं है। अगर शासन इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाए तो उन्हें इस तरह से धार्मिक स्थलों के पास नहीं भटकना पड़ेगा और उनका भरण पोषण आराम से हो जाएगा। हम ये समस्या लेके आए कि जिले में बहुत बुजुर्ग आदमी भीख मांगते हुए घूमते हैं, हर मंदिर के दरवाजे, हर चौराहे पे, पूरे बस स्टैंड पे। इन बुजुर्गों को कहीं ना कहीं आश्रय मिलना चाहिए। इनके लिए शासन ने कानून बनाया 2007 भरण पोषण कानून, उस कानून का क्रियान्वयन छतरपुर जिले में नहीं हो रहा। हमारा आज निवेदन था कलेक्टर साहब से कि इन बुजुर्ग महिलाओं को भीख ना मांगनी पड़े, इनकी काउंसलिंग की जाए, इन्हें कानून बताया जाए, इनके बच्चों से कहा जाए कि अपने माँ बाप को घर में रखें, वो अगर नहीं रखते तो फिर इनका कोई सरकारी उपाय, कोई आश्रम में इनको शिफ्ट किया जाए। आज कहाँ आई हैं आप, कहाँ आवेदन दिया है आपने? आज हमने जन सुनवाई में यहाँ आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय।